नहीं नहीं जान दे, जान दे फिलहाल जान दे। ब्रेक का यूज कभी नहीं करना चाहिए। देख रहे, इसलिए मना करता हूँ बाइक नहीं लाओ। रोज़ाना आपको मेरी से कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, रोज़ाना ही कहता हूँ स्नोफॉल के दौरान बाइक नहीं लानी। अस्सलाम वालेकुम यार, इस टाइम पे मैं कुलडन्ना चौक में हूँ। इससे प्रीवियस एपिसोड आपने जो है वो हमारी माल रोड से देखी। अभी यहाँ पे फ्रीजी रेन का सीन है, शाम में टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे जाएगा तो स्नो स्टार्ट हो जाएगी। मैं जो है वो गिलियात साइड पे मूव करने की कोशिश सुबह से कर रहा हूँ, तो अल्लाह करे कोई गाड़ी मिल जाए तो वहाँ के खूबसूरत मनाजर जो होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा यार बताना चाहूँगा, ये जो फ्रीजी रेन है इसका काम ही यही होता है एक्चुअल स्नो से पहले एक लेयर बनाना ज़मीन के ऊपर। तो इंशाल्लाह ये लेयर वगैरह बना रहा है, फोग वगैरह काफ़ी ज़्यादा आगे गिलियात साइड पर, देखते हैं क्या सिचुएशन है। बाकी यहाँ पर तो मशीनरी देखें आप, अलर्ट खड़ी है अपना काम करने के लिए। तो देखें अब हम गिलियात साइड पे अगर पहुंच पाते हैं तो वहाँ की सिचुएशन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अभी ये फ्रीजी रेन स्टार्ट है, कुछ ही देर में ये ज़मीन के ऊपर एक लेयर बना लेगी। तो तीन चार दिन का स्पेल है, तीन चार दिन हम आपको रोज़ाना की बेस पे ऐसा खूबसूरत कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी मैं चलता हूँ आगे, शायद यहाँ से कोई गाड़ी मुझे मिल जाए गिलियात साइड पर जाने के लिए। फोग काफ़ी ज़्यादा है, विजिबिलिटी ज़ीरो है, काफ़ी मिसाइल भी हैं। शहर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम गिलियात साइड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई है, ट्रैफिक जो है वो जैम हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं गाड़ियों की छतों पे हल्की फुल्की स्नो यहाँ तक भी पहुँच चुकी है। अब इस टाइम पे मैं बाड़िया स्टॉप पे हूँ, तो अब गाड़ी तो पैदल कोई नहीं मिल रही आगे गिलियात साइड पर जाने के लिए, तो इसलिए मैं पैदल मूव कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक हम मूव कर सकते हैं और क्या बनता है, ये आपके साथ सब कुछ शेयर हो रहा होगा। ये आप इस गाड़ी की छत पे देखें कितनी स्नो, इसकी छत पे देखें फोग काफ़ी ज़्यादा है, चीज़ें विजिबल नहीं है, थोड़ा सा भी आगे नज़र नहीं आ रहा, सामने आप देख सकते हैं। यार ये मैं गिलियात साइड पे पहुंचने की कोशिश मेरी नाकाम ही है, मैं नहीं पहुंच सकता। लेकिन वैसे आपको बताना चाहूँगा बर्फ़ काफ़ी हो चुकी है, ये सामने रोड पे गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रही हैं, हैवी मशीनरी अभी तक नहीं पहुंची इसकी क्लियरेंस के लिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, स्नो चेंज वगैरह साथ लाजमी लाएँ और गिलियात साइड पर आने की कोशिश हरगिज़ ना करें। मुझे भी पता नहीं वापसी की गाड़ी मिलेगी या नहीं, गाड़ियों के काफ़ी मिसाइल हैं यहाँ पे, काफ़ी स्नो यहाँ पे इकट्ठी भी हो चुकी है आखिरी 10 से 15 मिनट में, काफ़ी हैवी तूफानी किस्म की स्नो है। सामने रोड की कंडीशंस में आपके सामने रखने आया हूँ, ये गाड़ियों की आप आवाज़ें सुन रहे हैं, गाड़ियाँ फंस चुकी हैं, ट्रैफिक का बड़ा सीन है। मैं रोड पे पहुंच के आपको कंडीशन आपके सामने रखता हूँ। बहुत मुश्किल है यार, गाड़ियाँ बहुत स्लिप हो रही हैं यहाँ पे, स्नो चेन वगैरह साथ बहुत मस्त है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है, स्नो चेन साथ लाजमी होनी चाहिए। काफ़ी तेज़ी से अभी इस टाइम पे यहाँ पे लाइव स्नो हो रही है, आप देख रहे हो रोड पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्नो इकट्ठी भी हो चुकी है। आगे गिलियात साइड पे अयूबिया नथिया डूंगा गली कुजा गली इस सब जगहों पे स्नो जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है, ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है इस टाइम पे।
बहुत एहतियात करनी पड़ती है यार। मैं खड़ा हुआ भी बहुत गलत हूँ, गाड़ी यहाँ पे कंट्रोल तो नहीं होती, मुझे थोड़ा साइड पे होना चाहिए। ये देखिए काफ़ी मुश्किल है यार। देख रहे हैं आप गाड़ियों के ऊपर कितने स्नो है, यहाँ पे स्नो चेन वाले आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे, जो आपकी गाड़ी को अगर फंस जाती है तो निकाल के दे रहे होंगे, लेकिन हैवी चार्जेस होते हैं उसके 5000-4000 इस तरह। ये सामने भाई हैं चेन वाले, ये गाड़ी चाहिए। माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से स्नो स्टार्ट है। जब हमने मरी का व्लॉग एंड किया था माल रोड से तो वहाँ पे भी स्नो स्टार्ट हो चुकी थी। देखते हैं वापस वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पे तो आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन हाफ़ इंच तो जमा होगी होगी, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, पता नहीं कितने सेंटीमीटर यहाँ पर बर्फ़ इकट्ठी हो चुकी है। स्नो चेन बहुत मस्त है यार साथ में। ये देखें ये मुकामी जो ड्राइवर हैं इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ये काफ़ी इजीली गाड़ी को ड्राइव करते हैं, ये मुकामी गाड़ी। ये देखें बहुत मुश्किल मोड़ आई है, यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ स्ट्रक होती हैं। आगे चलते हैं देखते हैं आगे क्या सीन है। मैं स्लिप हो रहा हूँ तो गाड़ियाँ तो दूर की बात है। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, गाड़ियाँ तो नहीं मिल रही, अल्लाह करे वापसी की भी गाड़ी मिल जाए। ये देखें ये गाड़ी सही से पहुँच रही। जान दे ब्रेक का यूज कभी नहीं करना चाहिए। चार दिन का ये स्पेल है, आज इसका फर्स्ट डे है, अल्लाह करे कोई नुकसान ना हो, खैर हैरियत से गुजर जाए। ये मकामी ड्राइवर है, मेरे पड़ोसी हैं, सामने ग्रीन गाड़ी है। ये गाड़ी बेचारी रह गई है यार, फोर बाई फोर गाड़ी होनी चाहिए।
बहुत ठंडी साइड है यार ये गिलियाड साइड, मरी का काफी ठंडा इलाका है। देखा इसलिए मना करता हूँ बाइक नहीं लाओ, यहाँ पे गाड़ियों का ये हाल है, पीछे वो बाइक वाले का हाल देखो, गाड़ियों के एक्सीडेंट देखो, ये देख रहे हो, इसलिए मना करता हूँ बाइक नहीं लाओ। रोज़ाना आपको मरी से कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, रोज़ाना ही कहता हूँ स्नोफॉल के दौरान बाइक नहीं लानी। ये देखें ये हैवी व्हीकल है जिसने इसकी हेल्प की है, और ये बाइक देखें, बाइक वाले कह रहे हैं अल्लाह करे और बर्फ ना हो। ये अब हैवी व्हीकल हैवी जीप वाले ने इसकी हेल्प की है, कार वाले की हैवी, ये जीप बड़े मजे की गाड़ी है, बंदा यही रखे बस। ये नीचे वाली साइड पे देखें क्या सीन है, कल इंशाल्लाह हम लोग फिर आएंगे, फिर इन खूबसूरत मंजर को एंजॉय करेंगे यहीं पे। ये चेन वाले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सर किस तरह लगाते हैं गाड़ी पे चेन? आपने कहाँ जाना है? नहीं वैसे हम तो YouTube पे व्लॉगर हैं, लोगों को गाइड करते हैं।